हम तो यही कहेंगे कि अब देश को शिक्षा मंत्री नहीं परीक्षा मंत्री चाहिए। यहाँ का बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम तो घटिया है ही है, साथ साथ इंडिया का भी एजुकेशन सिस्टम घटिया होते जा रहा है। अभी हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तो नहीं कर रहे हैं। हम जाते हैं कंपटीशन का तैयारी करने के लिए लखनऊ जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। अब नीट जैसे परीक्षा को पहले ही लीक कर दिया जाता है, जिसके लिए बच्चे हैं जो 12 घंटे 15 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के महंगे महंगे फीस दे के पढ़ रहे हैं। सरकार से मांग यही रहेगा कि बढ़िया से कंडक्ट करे परीक्षा। बिना सरकार के मिली भगत के तेजस्वी यादव, मतलब इसमें मतलब उनका नाम तो उछाला जा रहा है, लेकिन बिना सरकार के मिली भगत तो कुछ नहीं होता है। देखिए पिछली बार थी लड़की थी, टॉपर थी, उनको 720 में 720 दिया गया था, और जब जांच हुआ तो ग्रेस मास उनका हटाया गया, तो कुछ शायद 580 के आसपास उनका नंबर रह गया। नया बात थोड़ी है, परीक्षा जब से हो रहा है देश में, पिछले गवर्नमेंट में देखिएगा, बिहार लीजिए, उत्तर प्रदेश लीजिए, हर परीक्षा में तो प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो जाता है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। नीट और नेट JRF दोनों ही परीक्षाएं जो हैं NTA के द्वारा ली जाती हैं, और इन दोनों में ही धांधली के आसार नजर आए। आपको बताते चले कि नेट JRF की परीक्षा को भी रद्द करार दिया गया है। ऐसी स्थिति में युवा वर्ग से खास बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं सरकार को लेकर के। सरकार नई नई बनी है, इस तरीके से दो दो परीक्षाओं में ऐसे धांधली के आसार दिख रहे हैं, क्या लगता है, क्या कहेंगे? ये नया बात थोड़ी है, परीक्षा जब से हो रहा है देश में, पिछले गवर्नमेंट में देखिएगा, बिहार लीजिए, उत्तर प्रदेश लीजिए, हर परीक्षा में तो प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो जाता है। इन लोगों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और क्या। हम तो यही कहेंगे कि अब देश को शिक्षा मंत्री नहीं परीक्षा मंत्री चाहिए। जिस प्रकार से हालात है, अब नीट जैसे परीक्षा को पहले ही लीक कर दिया जाता है, जिसके लिए बच्चे हैं जो 12 घंटे 15 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के महंगे महंगे फीस दे के पढ़ रहे हैं, और उसको आप पेपर 10,000-15,000 में बेच रहे हैं, तो फिर क्या कीजिएगा बताइए। 67 बच्चों के फुल में से फुल आए, 720 में से 720 आए, ऐसा पहली बार देखने। और धांधली के नाम पर कहा गया कि उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, बताइए। एक थी लड़की थी, टॉपर थी, उनको 720 में 720 दिया गया था, और जब जांच हुआ तो ग्रेस मार्क्स उनका हटाया गया, तो कुछ शायद 580 के आसपास उनका नंबर रह गया, और उनको ग्रेस मार्क्स देकर कहा गया कि वो टॉपर हैं, 720 हैं। तो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ ही किया जा रहा है। और यहीं पटना की कोई कहानी आदमी है, यादविंदु करके, उन्होंने मतलब कि शायद जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर के तौर पर कर रहे थे, वो थे जो अपना भतीजा का वहाँ एक रूम बुक किए, वहाँ पूरा क्वेश्चन रटवा दिए। तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी हैं प्रीतम, उनका नाम इसमें जुड़ रहा है पेपर लीक करवाने में, क्या कहें? तेजस्वी यादव हो या कोई भी हो, सरकार को इसमें मतलब कड़ा रुख अपनाना चाहिए। जिस प्रकार से इस तरह हो रहा है, आप लगातार सत्ता में हैं और आप पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर कहा है कि आप मतलब सरकार में हैं। एक तरह जहां बात करती है सरकार की, हम यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवा रहे हैं और पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं, तो फिर कहेगा सरकार? सबसे बड़ा तो यही होना चाहिए ना। हम ये पेपर लीक, पहले आप नीट का बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तो नहीं कर रहे हैं। हम जाते हैं कंपटीशन का तैयारी करने के लिए लखनऊ जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। बिहार पुलिस का भी कुछ दिन पहले लीक हो गया, तो फिर हम लोग करें तो करें, क्या करें? तेजस्वी यादव का नाम कहीं ना कहीं उनके करीबियों का नाम आ रहा है, इस पर क्या क्वेश्चन? देखिए, पैसा देकर बेचा जा रहा है, मेरा ये कहना है, ठीक है। अब रोजगार के मद्देनजर मतलब देखिए तो बिना सरकार के मिली भगत के तेजस्वी यादव, मतलब इसमें मतलब उनका नाम तो उछाला जा रहा है, लेकिन बिना सरकार के मिली भगत का कुछ नहीं होता है। देखिए पिछली बार जो BPSC शिक्षक का, उसका पेपर भी लिख हुआ, तो उसमें नाम आया कि प्रिंटिंग प्रेस वालों ने ही मतलब मिल करके, और बड़े बड़े अधिकारियों का नाम आया, लेकिन सरकार इसको दबा दी ताकि उनकी बदनामी ना हो। आप BPSC शिक्षक वाले वैकेंसी में देखे होंगे कि किस प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस वालों का नाम आया, तो हम लोग तो पढ़ाई से भरोसा उड़ जाएगा। इसे 15 घंटा पढ़ रहा है, 15 से 20 घंटा वो तैयारी कर रहा है, लाइब्रेरी में अपना जीवन का बहुमूल्य समय दे रहा है, और उसके बाद भी मतलब उसके साथ इस प्रकार से हो रहा है, तो बच्चा फिर क्या हताश ही हो जाएगा जी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा शुभम नाम है। नीट की परीक्षा या नेट JRF किसका परीक्षा दिए थे? हम नीट का दिए थे। नीट का दिए थे, कितना स्कोर रहा था लगभग? मेरा लगभग 530 था, 530 था, 530 था। हाँ, अच्छा, जिन लोगों के 720 में से 720 आए, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, और वो लोग अब फंस रहे हैं इसमें? वो लोग, कुछ लोग जो हैं वो अपने मेहनत के दम पे ही लाए हैं, और कुछ लोग जो हैं, जैसे कि हो ही रहा है धांधली, आप लोग तो जान ही रहे हैं, इस सब में वही घूस वगैरह दे के कोई लोग 720 आउट ऑफ 720 लेके आ रहे हैं। पहले तो इतना कोई नहीं लाता था, लेकिन आप थोड़ा देख रहे हैं धीरे धीरे इधर धांधली होते जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही। ऐसे तो छात्रों के मनोबल पर तो गलत असर पड़ता है ना। बहुत लोग हैं जो बैकवर्ड कास्ट से बैकवर्ड हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते फी वगैरह, उन लोग को तो
खैर क्या ही बोल सकते हैं उन लोग को तो बेचारे लोग नहीं की कर पाता है तो ये जो हो रहा है वो बढ़िया नहीं हो रहा है, इस पे कुछ बदलाव होना चाहिए। क्या मांग है सरकार से? सरकार से मांग यही रहेगा कि बढ़िया से कंडक्ट करे परीक्षा, और क्या, बहुत लोग इसमें परीक्षा देते हैं, अपना मेहनत करते हैं, 10 घंटा 15 घंटा पढ़ते हैं, यही मांग रहेगा कि उन लोग बढ़िया से कंडक्ट करे एग्ज़ाम वगैरह। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रोहित राज है। तो रोहित जी, परीक्षाएं हो रही हैं, फिर लीक हो जा रही हैं, तेजस्वी यादव का भी नाम इसमें कहीं ना कहीं दूर दूर से शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सर, यहाँ का बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम तो घटिया है ही है, साथ साथ इंडिया का भी एजुकेशन सिस्टम घटिया होते जा रहा है। नीट जैसा ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ लाखों बच्चों बैठते हैं, और यहाँ ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, तो हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा? तो यही कहना चाहते हैं कि इसमें जो नीट में जो ये हुआ है, यानी जनता लोग से ही डिमांड है कि इस पर कार्रवाई हो और जो सच्चाई है वो बाहर आए। नहीं तो आपको क्या लगता है सरकार का इसमें मिली जुली क्या लगता है, क्या है? सर, सरकार का मिली जुली होता है तभी तो ऐसा कांड होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। पावरफुल लोग होते हैं तभी ये कांड करते हैं। पावर है क्या? हमारे नेता के पास पावर है, उन्हीं लोग ये काम करवाते हैं तभी ऐसा होता है। इसमें रोक तो लगनी चाहिए ना, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या कह सकते हैं हम। तो छात्रों का मनोबल कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि बैक टू बैक NDA के द्वारा ली गई दो परीक्षाएँ, एक तो नीट और दूसरा नेट JRF की जो परीक्षा हुई थी, दोनों में ही धांधली के आसार नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जो तमाम जो परिस्थितियां फ़िलहाल बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में तमाम देश की शिक्षा व्यवस्था को रख रही हैं, और इसके ऊपर सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्या होगा पूरी जानकारी पहुँचाएँगे आपको। देखते रहिए NBC 24। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।